धमाकेदार खबर की आप बात कर रहे थे। जी हाँ, एसएससी जीएसटी एसएचटी 2020 के कट ऑफ के प्रेडिक्शन की आज मैं वो बताने जा रहा हूँ। बताने से पहले मैं यह बता देना चाहूँगा कि कृपया मेरे इस प्रेडिक्शन को सीरियसली ना लें, दिल पे ना लें, क्योंकि कोई भी प्रेडिक्शन अगर किया जाता है, ज्योतिष भी अगर भविष्यवाणी करते हैं, तो उसके सही न होने के 99% चांसेस होते हैं। आप सिर्फ एक मार्गदर्शन के लिए मेरे इस प्रेडिक्शन को लेंगे, और अनुरोध है कि यदि आपको लगता है मैं सही नहीं हूं, तो बिल्कुल उसे स्वीकार करिए कि मैं सही नहीं हो सकता हूं। आइए अब अगली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा प्रेडिक्शन क्या है और क्यों है, कैसे है। हम बात आगे बढ़ाएं उसके पहले हम एक बार देख लेते हैं कि 2018-19 में क्या स्कोर रहा और कितनी वैकेंसीज थी। देखिए, 2018 में 104 वैकेंसीज थी, और इसमें से एससी का जो कट ऑफ गया है, एससी का गया है 274.75, मिनिमम एसटी का गया था 264.75, ओबीसी का गया था 279 और अनरिजर्व का 285.50। उस समय ये वैकेंसी नहीं थी, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं थी, इसलिए ईडब्ल्यूएस जीरो रहा है। अब आप इस आधार पर अगर देखते हैं तो 104 वैकेंसीज के लिए ये लगभग हाईएस्ट था, 2018 का सबसे हाईएस्ट था। उसके बाद 2019 का अगर हम स्कोर देखें तो 2019 में वैकेंसीज कुल थी 243 अर्थात 243, और एससी का जो कट ऑफ गया था 243 मिनिमम गया था, हाईएस्ट तो काफ़ी गया था ऊपर। एसटी का गया था 271.50 और ओबीसी का गया था 249.25 और अनरिजर्व का था 264.75, ईडब्ल्यूएस का था 229.25। और इस वर्ष वैकेंसीज भी काफ़ी थी, 243 के आसपास वैकेंसीज थी। अब 243 में इतना कट ऑफ तो बनता ही है। अब 2020 का हम एक बार देखें कि 2020 का पेपर टू का कितना रहा है। कुल वैकेंसीज अभी तक 180 प्लस हैं, 180 प्लस में एससी का जो कट ऑफ गया है वो 230 गया, काफ़ी है। एसटी का जो गया है वो 221 है, अगर आप 2019 का स्कोर से मिलाते हैं तो उससे अधिक ही गया था। उसके बाद ओबीसी का 235.75, अनरिजर्व का गया था 254.50 और ईडब्ल्यूएस नया शामिल हुआ था उनका 178.75 गया था। इस लिहाज से आप देखें तो ये स्कोर काफ़ी ऊपर गया था। अब इसमें देखने वाली यह बात है कि इस बार जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हैं उसमें से लगभग 400 लोग छांट दिए गए हैं। 400 ऐसे लोग हैं जिनमें से लगभग 350 लोगों के पास डिग्री कंप्लीट नहीं थी, विशेषकर पीजीडीटी लोगों का समय से कंप्लीट नहीं हो पाया था, कोरोना के कारण परीक्षाएं देर से हुई, इसके कारण काफ़ी दिक्कतें हुई। और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट में कई लोगों की कमी थी, कोई सिर्फ बीकॉम पास था, उसने एमए किया था लेकिन दोनों विषय अंग्रेजी था, हिंदी कभी नहीं पढ़ी थी, तमाम चीज़ें उसके बारे में आपको जानकारी दिया जा चुका है। तो ये जो है इस बार का अगर हम देखें तो एवरेज जो लोगों ने स्कोर किया है, एससी का जो एवरेज स्कोर गया है 270 आउट ऑफ 400, एसटी का एवरेज गया है 250, हालांकि इससे कम भी काफ़ी लोग हैं लेकिन मैंने जो एवरेज देखा 250 पाया है। ओबीसी का एवरेज गया है 280 और अनरिजर्व का लगभग 290, कई सारे अनरिजर्व में लोग हैं जिनका 300 प्लस भी है, अनरिजर्व क्या एससी एसटी में भी 300 प्लस हैं, और ईडब्ल्यूएस का अधिकतम 250 गया है। अगर हम देखें तो ये जो स्केल गया है ये स्केल वैसे ही लगभग 10 से 15% जंप है, अधिक है पेपर टू की अपेक्षा। इस लिहाज से मेरा जो अनुमान कहता है, मेरे जो आंकड़े कहते हैं, उन आंकड़ों के अनुसार इस बार का जो कट ऑफ जाना चाहिए वो लगभग 18 से 20% का और इंक्रीज होगा। अर्थात अगर 230 एससी का रहा है कट ऑफ पेपर टू का, तो उसमें 18 से 20% अगर हम जोड़ते हैं तो एससी का आएगा 270 से 276 के बीच में एससी का कट ऑफ जा सकता है। एसटी का जो कट ऑफ जाएगा वो 254 से 264 तक जा सकता है। जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वह सत्य हो, लेकिन 2-4-5 नंबर ऊपर नीचे हो, ज़्यादा चांस है ये जो ब्रैकेट बता रहा हूँ इसके बीच में आएगा। ओबीसी का 275 प्लस जो है
275 से 282 तक जा सकता है क्योंकि एवरेज ओबीसी का 280 गया है। और उसके बाद अगर आप देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी का इस बार एवरेज 290 है, तो मेरे अनुमान से 286 के ऊपर अर्थात 290 से 295 के बीच में संभावनाएं हैं कट ऑफ जाएंगी। उसके बाद अंतिम आता है ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस का 178.75 था और इसमें भी अगर 20% का आप इंक्रीज जोड़ेंगे, 20% की बढ़ोतरी अगर जोड़ेंगे तो ये एवरेज 250 अगर था तो 245 से 255 के बीच में रहने की संभावना है। दोस्तों मैं पुनः बताना चाहूँगा कि ये जो आंकड़े मैंने दिए हैं जरूरी नहीं कि ये सत्य हो, ये एक अनुमानित है और जिस तरह से पोल का करते हैं, चुनाव की भविष्यवाणी करते हैं, उसी फॉर्मूले से मैं इसकी भविष्यवाणी कर रहा हूँ। तो संभावना है सही होगी, गलत भी हो तो आप हताश ना हो और इसके बारे में फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है।